नमस्ते दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी बंगाली मिठाई चमचम, जिसके लिए मैंने ये गाय का दूध लिया है। 1 किलो की पैकेट है और ये गाय के दूध से ही मैं चमचम बनाऊंगी। पहले दूध को हम काट करके एक बर्तन में डाल लेते हैं, क्योंकि इसका मुझे छेना बनाना है। इसको डाल लेते हैं। आप कोई भी दूध ले सकते हैं, मैंने गाय का दूध लिया है। गाय के दूध से छेना बहुत सॉफ्ट बनता है और इसके रसगुल्ले भी अच्छे बनते हैं। मेरा पूरा 1 किलो दूध है। अब गैस ऑन करते हैं। अब इसको हम गर्म होने के लिए रहा देते हैं और इसको हम चलाते रहेंगे ताकि इसमें मलाई ना पड़े, और चलाते हुए इसको उबालेंगे हम। देखिए, इसको चलाते हुए उबाल दिया है मैंने। अब गैस बंद कर देंगे। देखिए, दूध उबल गया है। अब गैस बंद कर देंगे और थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे। थोड़ा ठंडा हो चुका है। ये मैंने विनेगर लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मिला लिया है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और इसको चला लेंगे, फाड़ लेंगे अच्छी तरह। देखिए, अभी अच्छी तरह फटा नहीं है, इसमें और थोड़ा विनेगर डाल लेंगे। फाड़ लेंगे और अच्छी तरह। इसे अब थोड़ा सा बचा, ये सारे ही डाल देंगे। अब इसको चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह चारों तरफ मिलके और ये मेरा दूध अच्छी तरह फट जाए। देखिए, ये अच्छी तरह फट गया है। अब इसमें थोड़ा ठंडा पानी मिला लेंगे ताकि जो है थोड़ा और सही से सॉफ्ट बने मेरा ये छेना, और ये पानी थोड़ा ठंडा हो जाए। अब इस अच्छी तरह फट गया है। अब इसको हम छान लेंगे। ये दूध मेरा बिल्कुल फट चुका है। अब इसको छान लेंगे। मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है। अब इसको छान लेते हैं। इसको थोड़ा पानी से वॉश कर लेंगे ताकि जो हमने विनेगर डाला है वो अच्छी तरह इसमें निकल जाए। नलके के नीचे ले जाके इसको अच्छी तरह हम वॉश कर लेंगे। मैंने अच्छी तरह इसको वॉश कर लिया। ये भी अभी हल्का गर्म ही है, तो थोड़ा हल्का गर्म में ही इसको हम मस लेंगे। पूरा पानी निचोड़ के पहले निकाल लेते हैं। ये छेने को अच्छी तरह मैंने छान लिया है। अब ये थोड़ा ही हल्का गर्म है, इस चीज़ से अब इसको हम अच्छी तरह मस लेंगे। गरम गरम थोड़ा मस लेंगे ना तो हमारा छेना बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। अच्छी तरह मसल के, और ज़्यादा ना मसले, नहीं तो इसमें घी निकल जाएगा। घी निकलेगा तो फिर ये छेना आपका बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अच्छी तरह मसल मसल के, ये देखिए मैंने अच्छी तरह मसल लिया है और तेल नहीं निकाला है। अब इसके हम छोटे छोटे चमचम बनाने हैं, उस आकार के हम गोले बना लेंगे। पहले इसको हम पीसेस में कट कर लेते हैं। सबसे पहले एक बराबर पीसेस में कट कर लेते हैं। पहले इसको कर लेते हैं ऐसे। देखिए, इतने छोटे छोटे पीसेस मैंने लिए हैं। इतने छेने में मेरे 4, 4, 8, 9, 10, 11 बॉल्स बनेंगे। देखिए, इसको आप बनाएंगे, अच्छी तरह मसल लेंगे और चमचम का शेप देंगे हम अच्छी तरह।
ये देखिए ऐसे इसी तरह हम सारे बना लेंगे मसल मसल के, ताकि क्रैक ना रहे, नहीं तो ये चाशनी में जाएगा तो फट जाएगा। क्योंकि मैंने इसमें कोई चीज़ नहीं मिलाई है, ना मैदा ना सूजी, कुछ भी नहीं मिलाया है, बिल्कुल छेने से बना रही हूँ। सिर्फ मैंने सारे बना लिए, सारों से 11 मेरे चमचम बन के तैयार हैं। ये देखिए अब इसके हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी के लिए मैंने ये गैस कढ़ाई ले लिया है। अब इसमें गैस ऑन करेंगे और इसे पानी डालूंगी। इसमें मैं 2 गिलास पानी डालूंगी, 1 गिलास, ये दूसरा गिलास। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। 2 गिलास पानी लिया तो मैं 1 कटोरी चीनी डाल रही हूँ। अब इसको हम उबलने देंगे। डाल लेती हूँ, मुझे थोड़ा कम लग रहा था इसलिए। 1.5 ग्राम से देखा जाए तो ये 250 ग्राम के करीब मैंने चीनी डाला है। अब इसको उबालने देते हैं। देखिए पानी में उबाल आ गया है। अब एक एक करके जो हमने छेना बॉल्स बनाए थे उसको डाल देंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, ये तो इसका उबाल वो बंद हो जाएगा। एक एक करके डालेंगे। अब गैस तेज ही रखेंगे। ये देखिए अब ये हो चुका है, देखिए कितना छोटा था, इससे डबल हो गया है। अब गैस बंद करते हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इसी में छोड़ते हैं ताकि चाशनी थोड़ा अंदर तक चला जाए। ये दोनों तरफ से अच्छी तरह पक गया है, अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक इसका जो हम अंदर स्टफिंग भरेंगे वो तैयारी कर लेते हैं। जो हम रसगुल्ले के अंदर भरेंगे उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसके स्टफिंग की तैयारी करेंगे। गैस ऑन कर दिया है, उसमें हम मावा भरेंगे। मावा ले लेते हैं, ये मावा है, इसको तोड़ लेते हैं इसमें और इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। ये मेरा ख़रीदा हुआ मावा है, आप चाहें तो मिल्क पाउडर से भी बना सकते हैं। इसको भून लेंगे अच्छी तरह, ज़्यादा भूनेंगे नहीं, बस थोड़ा सा इसका अच्छी तरह कच्चापन निकल जाए। इसमें मैं 2 चम्मच के करीब पाउडर शुगर डाल देती हूँ, ताकि मीठा ऑलरेडी रसगुल्ला मीठा है, ज़्यादा इसमें चीनी नहीं डालेंगे। इसको भी डाल के अच्छी तरह हम मिला लेते हैं। भून चुका है, अब इसको गैस बंद कर देते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। या फिर प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। अब देखिए रसगुल्ले भी ठंडे हो चुके हैं। अब इसको और ये जो मावा बनाया था वो भी ठंडा होके बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। रसगुल्ले एक एक करके रस में से निकाल लेते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट बना है और कितना रस जूसी, एकदम रस पी रखा है। अब इसको निकाल लेते हैं एक एक करके। देखिए मैंने सारे निकाल लिए थे, अब इसको कट कर लेते हैं। बीच से कट करेंगे, एक चक्कू ले लिया है, अब इसको बीच से कट करेंगे और एक ही तरफ से कट करेंगे, दोनों तरफ से नहीं कट करेंगे। जो मावा हमने बनाया था ना वो इसके अंदर हम भरेंगे। ये देखिए ऐसे, चारों तरफ से और थोड़ा सा भर देते हैं। ये देखिए ऐसे ही हम सारे भर लेंगे। ये देखिए एक और बना के दिखाती हूँ आपको। मैंने सारा कट नहीं करा है, बीच से रहने दिया है। ये देखिए अब इसको ऐसे दबा के हम सारे इसमें भर लेंगे। ये देखिए ऐसे ही हम सारे भर लेंगे। देखिए मैंने सारे भर लिए हैं, अब इसमें हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लगा देंगे। देखिए ये मेरा चमचम मिठाई तैयार है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी और बिल्कुल इजी तरीके से बन जाता है। मैंने ना इसमें कॉर्नफ्लावर ना मैदा कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ छेन दूध से
और छेने का ही बनाया है, इसमें कोई मिलावटी नहीं करी है। आप बहुत इजी मेथड से मैंने आपको बताया है, आप इस तरह से बनाएं, बहुत अच्छा आपका मिठाई बनेगा और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।